हेलो, वेलकम टू एग्जी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की कहानी आपके लिए। ये कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती होता है। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता है और उसकी देखभाल करता है, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी किसी सूखे कारण। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी तेज धूप तो कभी आंधी, कोई ना कोई कारण जरूर होता था उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि हे मालिक, सब लोग तुझे बहुत महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं आप सब जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको ये भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है। अगर आप ये जानते तो हर समय बाढ़ आंधी और तूफान नहीं आते। आपको ये नहीं पता कि हर बार कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे ये शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसल को नष्ट होने से बचाया, और उसे साल उसे किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही साथ ये सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने को तैयार हो गई, और किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने के लिए खेतों में गया। पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं के बालियों में पड़ी, तो उसने देखा कि गेहूं की बाली में एक भी दाने नहीं पड़े हुए हैं। वह हैरान हो गया, क्योंकि किसी भी बाली में एक भी दाना नहीं पड़ा था। वो हैरान हो गया और ईश्वर को फिर से पुकारने लगा। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो ये कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने न अपने फसलों को धूप में तपने दिया, न आंधी के थपेड़ों को सहने दिया, और न ही तेज बारिश को सहने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए, क्योंकि उन्होंने कोई चुनौती का सामना ही नहीं किया। और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसे शक्ति कहते हैं। शक्ति से ही ऊर्जा पैदा होती है, जिससे कि गेहूं की बालियों में दाने पड़ते हैं। तुमने उसे कुछ संघर्ष का मौका ही नहीं दिया, उसे बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसका जन्म होता। इसलिए सारी बालियां खाली रह गई, क्योंकि तूने उसे संघर्ष करने ही नहीं दिया। सेम यही चीज हमारे साथ भी होती है दोस्तों। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब बुरा वक्त आता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, इसी से इंसान की ग्रोथ होती है। कोई मूवी बनती है तो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम ईश्वर ने आपकी लाइफ में ही क्यों दी है, क्योंकि वो जानता है तुम इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी डिफिकल्टी और संघर्ष से तुम बाहर आराम से निकल सकते हो। जरा आप सोच के देखिए, अगर आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तो जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें।